को लाठी से पिटवाते, कोई बिजली मांगता उसे गोलियों से भुजवाते, सत्ता के गद्दी पर भी वही बैठे हैं, युवराज उनके बगल में। नीतीश कुमार को ही ये दुर्भाग्य भरा सौभाग्य मिला कि फिर से उन्हीं के समय जंगल राज आया है। कटिहार में जिस तरीके से बिजली कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ, तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ और पुलिस ने गोलियां भी चलाई जिसमें दो लोगों की जान जा चुकी है, अभी भी एक की इलाज जो है वहां पर चल रहा है। ऐसे में बिहार की सियासत भी उसी कदर गर्म है और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और सीधे शब्दों में यहाँ तक कह दिया कि धृतराष्ट्र की भूमिका में नीतीश कुमार हैं और सत्ता पर भी वही बैठे हैं, उनके अगल बगल जो है युवराज बैठे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कोई अगर नौकरी मांगेगा, कोई बिजली मांगेगा तो उन पर लाठियाँ चलवाएंगे, गोलियों से भुनवाएंगे और जो है महिला को निवस्त करवाएंगे, यानी बेगूसराय की घटना को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। ऐसे में आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो है सीधे तौर पर नीतीश कुमार को धृतराष्ट्र की भूमिका में बता रहे हैं और निशाना साध रहे हैं। सीधे तौर पर गिरिराज सिंह जो है निशाना साधते हुए कई बातें खुलकर उन्होंने कहा, कोई बिजली मांगे, पानी मांगे, नौकरी मांगे तो उन्हें लाठियां बरसवाएंगे, गोलियों से भुनवाएंगे। आखिर ये सरकार किस तरह की सत्ता में बैठे हैं, क्योंकि जंगल राज को खात्मा कर नीतीश कुमार का उपज हुआ था, यानी नीतीश कुमार जंगल राज को खत्म करने के लिए ही सत्ता में आए थे, लेकिन आज उसी के गोद में जाकर बैठ गए हैं नीतीश कुमार, यह कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कटिहार की घटना को लेकर, चाहे वो दरभंगा की घटना हो, चाहे कटिहार की घटना हो या पटना में लाठीचार्ज का मामला हो, ये तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए किस कदर बोला है, पहले वो आप जरा गौर से। इस बाबू धृतराष्ट्र की भूमिका में, सत्ता के गद्दी पर भी वही बैठे हैं, युवराज उनके बगल में है, लेकिन कोई नौकरी मांगता शिक्षक को लाठी से पिटवाते, कोई बिजली मांगता उसे गोलियों से भुजवाते, कोई अनुसूचित समाज की बेटी अपना अधिकार मांगता तो निर्वस्त्र उसे और उसे अपमान की जिंदगी जीना पड़ता, उसके लाश को भी लोग सही तरीके से नहीं देख पाए। आज बिहार में जिस जंगल राज के खात्मे के बाद नीतीश कुमार का उदय हुआ, फिर से नीतीश कुमार को ही ये दुर्भाग्य भरा सौभाग्य मिला कि फिर से उन्हीं के समय जंगल राज आया है, और जो उनके मंत्रियों ने जिस ढंग से कहा है, जो करेगा वो गोली खाएगा, यानी कोई बिजली ना मांगे, कोई पानी ना मांगे, कोई राशन ना मांगे, कोई अधिकार ना मांगे, कोई अपना हक ना मांगे, यही है बिहार की सरकार। तो आपने सुना किस तरीके से नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठे हैं और धृतराष्ट्र की भूमिका में नजर आ रहे हैं और सत्ता पर वही बैठे हैं और उनके इर्द गिर्द जो है युवराज बैठे हैं, यानी कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है कटिहार के मामले को लेकर और शिक्षक पर लाठीचार्ज को लेकर, चाहे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं पर लाठीचार्ज हुई उसको लेकर भी। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहें देश डी न्यूज़ के लिए और देखते रहें देश डी।